हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको एसपीट्यूब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि झारखंड पुलिस का फॉर्म जो आप भर रहे हैं, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे खो गया हो या आपके मोबाइल से डिलीट हो गया हो, आपका मेल पे नहीं आया हो, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता कर सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो आप टेंशन छोड़ दीजिए और हमारे वीडियो पे लाइव बने रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं आप तक पहुंचे तुरंत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट पे आपको आ जाना है। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ओपन हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं या आपके मोबाइल से डिलीट हो गया है, मेल से भी डिलीट हो गया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, इस वेबसाइट पे आप ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है लॉगिन करने के लिए, और आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, ठीक है, आपके मोबाइल से डिलीट हो गया है, मेल पे भी नहीं है और आपने कहीं नोट करके भी नहीं रखा है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, कैप्चा कोड, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मालूम ही नहीं है, तो आप डालेंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है फॉरगेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे दोस्तों देखिए आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, जो आपने फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर भरा था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो फॉर्म भरते समय भरे हैं वो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है, ठीक है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कैप्चा कोड, ठीक है, तो यहाँ पे कैप्चा आप ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पे वो फिल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपने मोबाइल नंबर भर दिया, डेट ऑफ बर्थ भर दिया, कैप्चा कोड भर दिया, तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रेड कलर से शो कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ चुका है। इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबने देखा कि कैसे हमने आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढने में आपका सहयोग किया और कितनी आसानी से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घबराए भी नहीं आप, और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दिल से।